मिस्टर भट्टाचार्य, यू आर वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, आप आइए प्लीज। कैन यू हियर मी ना? या ओके ओके थी सो इसके सर, बारे में थैंक यू कि सो मच। मैंने आई कहीं टेक लीव। पढ़ा था, ओके ओके वेंकट, कीप कमिंग। मैंने पढ़ा था कि जब ये वॉर करते यूएस का प्लान प्लान किया था कि बॉम्बे और कैलकटा के वो उन्होंने अपने न्यूक्लियर आर्म वॉशिंग से थे, उन्होंने प्लान था कि अगर इंडिया अगर नहीं मानता है तो बॉम्बे और कैलकटा पर वो न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, जिसको प्रिवेंट किया था। और ये दूसरी चीज है कि जब एक इंदिरा गांधी ने एक प्लान सीक्रेट प्लान भी बनाया था कि बांग्लादेश के बाद वो पाकिस्तान में प्रयोग के और पूरे वेस्टर्न पाकिस्तान को भी अपनी जय इंडियन आर्मी भेज देगी, तो ये सब के बारे में तो आपसे जानना चाहते हैं कि इनमें कितने सच्चाई है इन बातों में। नहीं, मुझे आप बात समझ, सेकंड पर आपने दोबारा से कहिए, क्योंकि आप के सामने होकर बात करेंगे मुंह तो अच्छा रहेगा, आपकी थोड़ी आवाज बीच में से डिस्टर्ब हो गई। दोबारा क्वेश्चन नॉट क्लियर। मैंने ये बताया था कि एक जो 1971 के टाइम पे कि यूएस का प्लान यूएस ने प्लान किया था कि वो बॉम्बे और कैलकाटा जब इंडिया का मेजर हार्बर सिटीज है तो वहां पे वो न्यूक्लियर अटैक करेंगे अगर इंडिया जो है बांग्लादेश पे अगर अटैक करता है तो। दूसरी चीज है हाँ कि एक बिल्कुल, इंदिरा गांधी के उस टाइम पे मैं उनका प्लान था आपको कि बांग्लादेश के बाद कि वो पीओके और पंजाब पे इंडियन आर्मी को अटैक करेगी, तो बट ये जो यूएस की नहीं, वजह नहीं हो पाई थी। देखिए पहली बात तो अमेरिका का जो शिप भेजने का पर्पस था, अमेरिका ने अपना जो शिप भेजा था, उन्होंने शुरू में निक्सन ने कहा कि नहीं नहीं हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन बाद में उसने अपना देखा कि जब पाकिस्तान हार रहा है तो बहुत डिस्टर्ब हो गए, उन्होंने इनडायरेक्ट सपोर्ट दिलाई थी पाकिस्तान को थ्रू जॉर्डन, थ्रू आपका ईरान, थ्रू लीबिया, इनके थ्रू पाकिस्तान को, इनके पाकिस्तान में उन्होंने अपने प्लेन्स भी खड़े कर दिए थे उनके सरगोधा एयरबेस पे, लेकिन जब देखा कि पाकिस्तान इज लूजिंग, वो उन्होंने अपना सेवंथ फ्लीट भेज दी थी यहाँ पे, बहुत शोर मचा था सेवंथ फ्लीट का भी, और उनका जो बेसिक यही था कि इंडिया को थ्रेटन करने का, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा डोंट फियर, अब आप इसको ध्यान मत दो, लेकिन क्या था कि उस टाइम पे रशिया ने भी अपने सबमरीन स्टेशन की हुई थी इंडियन ओशन के अंदर, और उनको पूरा ट्रैक कर रहे थे, उनकी दो दो जो थी यूनिट्स आई थी वो स्पेशली यूएस की जो फ्लीट थी उसको ट्रैक कर रहे थे, और विद न्यूक्लियर आर्म्स, तो अमेरिका की ना हिम्मत हुई और उसके बाद अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ, और इंदिरा गांधी ने इसी थ्रेट को देख करके ये कहा कि हम फ्यूचर में न्यूक्लियर जाएंगे, और 74 में पहली बार इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था पोखरण के अंदर। जहां तक आपकी दूसरी बात कहते हैं पीओके की, इंदिरा गांधी के प्लान में कुछ नहीं था पीओके लेने का, क्योंकि प्लान इंदिरा गांधी की नहीं थी, प्लान बनी हुई थी रॉ की, और आर्मी को डायरेक्शन देनी थी, उसमें क्या था कि जैसे इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि हमें उस चीज को ले, अगर इंदिरा गांधी के माइंड में उसको बहुत खुश थी उस टाइम पे, या हम आर्मी हमारा जो रॉ जो है इतने खुश थे अचीव करने के लिए कि उन्होंने पीओके का सोचा नहीं, पीओके के लिए दोबारा आर्मी भेजने की जरूरत नहीं थी, अगर हमारा उस टाइम लड़ाई हो रही है तो उस टाइम अगर पीओके का गिलगित बाल्टिस्तान में हमने जो थोड़ी जगह ले ली, दो तीन विलेजेस वगैरह ले लिए थे, अगर हमने उस टाइम में पीओके या गिलगित बाल्टिस्तान के एरिया में कब्जा कर लिया होता, शायद हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं होती, वो शायद एक काम छूट गया, और जब अगली लड़ाई होगी पाकिस्तान के साथ तो हम गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके लेने को तैयार तैयार हो जाएंगे। अभी जैसे चाइना के साथ हमारा फेस ऑफ चल रहा था लद्दाख के ऊपर, तो हमारी आर्मी उधर ही खड़ी थी जहां से पीओके गिलगित बाल्टिस्तान नजदीक पड़ते हैं, तभी चाइना को डर लगा हुआ था कि यहाँ से हमारा सीपीसी बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे 8 मील की रेंज में थी, और वहां पे हमारा जो एक एएलजी बना हुआ है, 3 एएलजी है हमारे लद्दाख रीजन के अंदर, एएलजी मतलब एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, नाम भूल रहा हूँ एक, तो इससे क्या है ये बिल्कुल पास पड़ता है यहाँ पे जो इनका सीपीसी चलता है, तो इंडिया ने एक पूरे तरीके से चाइना को भी थ्रेटन कर दिया था कि हम इंडिकेशन दे दी थी कि वी कैन टेक दिस, तुम्हारी कोई यहाँ से जगह नहीं भेजेगी, चाइना बड़ा घबरा गया था, और चाइना ने जैसा एक हुआ हमारा यहाँ पे फेस ऑफ चल रहा था उस टाइम पे, जब थोड़ा सा और थोड़ा सा अग्रेसिव हुआ जब हमारा अटैक हुआ ना सोल्जर्स के ऊपर, तो इंडिया ने अपने 2 शिप्स भेज दी थी अंडेमान निकोबार आइलैंड पे, अंडेमान निकोबार आइलैंड से लेकर के मलक्का स्टेट पे, कि हम इसको स्टॉप कर देंगे, थ्रेट देना होता है तो। लेकिन जहां तक इंदिरा गांधी की बात करें, अगर इंदिरा गांधी के माइंड में ये बात आ जाती या रॉ के माइंड में ये बात आ जाती तो उस टाइम पीओके गिलगित बाल्टिस्तान ले लेते, लेकिन वो उस टाइम माइंड में नहीं आई, और अब जब भी वार होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं एक बात, हम इंटरनेशनल बॉर्डर जो एग्रीड है उसको चेंज नहीं कर सकते हम, लेकिन जो बॉर्डर एग्रीड नहीं है जैसे पीओके गिलगित बाल्टिस्तान का, अगर कभी लड़ाई होगी सिचुएशन होगी तो वी विल ग्रैब दैट, और इस टाइम पे पूरी ये प्लानिंग है हमारे आर्मी वालों के दिमाग में भी है, इंटेलिजेंस के दिमाग में भी है, और अगर पीएम मोदी है उनके दिमाग
एनी अदर क्वेश्चन? आई अग्री टू सर एक यू नो बार मोस्ट ऑफ योर पॉइंट्स एंड सर इंदिरा गांधी जी का रोल आई जस्ट रोल भी वांटेड बहुत टू नो फ्रॉम यू, डू यू बिलीव कि इंडिया शुड सेंड इट्स ट्रूप्स टू अफगानिस्तान? इंडिया शुड सेंड ट्रूप्स टू अफगानिस्तान। देखिए जहां तक मेरे से बात करें, यस यस अपना डोवाल साहब जो हैं वो गए थे क्योंकि अफगानिस्तान गवर्नमेंट से हमारे बड़े स्पेशल रिलेशन है, अब्दुल गानी के साथ हमारे बड़े रिलेशन है, और डोवाल साहब गए थे कुछ महीने पहले अफगानिस्तान में। उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया अगर यूएस यहां से विड्रॉ करेगा तो इंडिया इज प्रिपेयर टू सेंड इट्स ट्रूप्स। हमारे ट्रूप पहले ही हमारे बॉर्डर पर खड़े हैं, अगर हम वो ट्रूप्स को अफगानिस्तान भेज देंगे तो हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सोचें कि तालिबान बहुत बड़ी फौज है, कोई ऐसा नहीं है तालिबान, ये तालिबान सिर्फ रोग टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, और तालिबान से मतलब कोई हमारा बेसिक ऐसे भी डिफेंसिस नहीं है, लेकिन अगर हमारे जो सोल्जर्स हैं वो अफगानिस्तान में पोस्टेड रहेंगे तो अभी भी हमारे कुछ जो है पुलिस वगैरह के फोर्सेज हैं जो लोग हैं वहां पे हैं फॉर द सिक्योरिटी ऑफ आवर इंस्टॉलेशन, चाहे हमारा अम्बेसी हो चाहे हमारी दूसरी जगह हो, हमारे वहां पे सोल्जर्स रहते हैं। लेकिन अगर इंडिया अपने सोल्जर्स अफगानिस्तान में भेजेगी तो कहाँ रहेंगे वो? वो रहेंगे पाकिस्तान के बॉर्डर के बैकयार्ड में, तो वो पाकिस्तान के लिए डेंजरस होगा। दूसरी बात मैं बता दूं कि ताजिकिस्तान जो सबसे क्लोज पड़ता है अफगानिस्तान के, वहां पे एक एयानी बेस है, एयानी बेस जो है वो इंडिया मेंटेन करता है, रादर वो मेंटेन सर करता है, और वहां पे सर जो वो फकर मैं फकर बेस फकर एयर हाँ बेस फकर भी है, फकर भी है और मेन एयानी आता है, दोनों बेसिस हैं। तो वहां पे फकर पे हमारा हॉस्पिटल भी है और यहाँ पे क्या है तो MiG-29K खड़े हैं, और वो अगर वहां पे पाकिस्तान से के साथ लड़ाई होती है तो वहां से 2 मिनट से भी कम टाइम लगेगा पाकिस्तान पे अटैक करते हो पहुंचते हुए। तो हमको पाकिस्तान को देखिए जहां तक हमारा हाँ, लेकिन आज एक सिचुएशन चेंज ये हो रही है कि इंडिया का जो मेन कंसल्टेशन चल रहा है वो चल रहा है चाइना की तरफ, क्योंकि अभी जैसे हमारा फेस ऑफ हुआ पाकिस्तान, हम चाहते हैं कि अगर कूल डाउन हो जाए, जैसे हमारा उनके साथ ये भी चला है एग्रीमेंट होने का, उसकी मैं बात फिर बात करूंगा डिटेल में कि क्या रीजन है क्या कुछ है। तो इंडिया चाहता है कि मैं पूरा ध्यान दूं इस टाइम पे, क्योंकि दोनों साइड ध्यान देना इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, कॉस्टली पड़ता है। अगर पाकिस्तान के साथ थोड़ा पीस प्रोसेस चलता है तो इंडिया अपना पूरा ध्यान देगा चाइना की तरफ, क्योंकि इंडिया चाहता है जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे एक्सट्रैक्शन करना चाहता है यूरेनियम की, यहाँ पे ऑयल है गैस है, यहाँ पे साथ में वेंडियम है, वेंडियम या विंटाइम एग्जैक्टली उसको ख्याल आ रहा है, वो एक गेम चेंजर होगा इंडिया की। और इंडिया वहां पे सर वहां हाँ रेयर बोलो अर्थ अब आए मटेरियल बोलते हैं उसको सर, ये वेनेडियम होता है ना वो वेनेडियम जीपीएस वेनेडियम और ये जो फाइटर जेट्स हम बनाते हैं उसमें यूज होता है। ये मुझे सॉरी नहीं टू पता था, इंटरप्ट नहीं नॉट इंटरप्ट, सर, लेकिन क्या तुमने अच्छी नॉलेज बढ़ाई मेरी, बिकॉज मैं उसको नहीं देखा था, मैंने सिर्फ यही देखा था। मैंने तो उसके क्या ऊपर पूरी सीरीज देखी है और कैसे अमेरिका ने जो F-22 रैप्टर बनाया ना वो रशिया से उनका मटेरियल कैसे आया ना वनेडियम और टाइटेनियम, उसके मेरे को पता चला कि भाई ये फाइटर जेट्स में यूज होता है।